पहली जनवरी से पशुपालकों से शुरू होगी गोबर खाद की खरीद। ऑर्गेनिक खेती से तैयार फसलों को देंगे ज्यादा दाम, कांग्रेस की चुनावी गारंटी पर कृषि मंत्री चौधरी चंद्र कुमार की मोहर। नमस्कार, आप देख रहे हैं आरके हिमाचल न्यूज। मैं मीनाक्षी हाजिर हूँ एक बड़ी खबर के साथ। कृषि एवं पशुपालन मंत्री प्रोफेसर चंद्र कुमार चौधरी ने बताया कि प्रदेश सरकार अपनी चुनावी गारंटी के तहत अब पशुपालकों से पहली जनवरी से 2 रुपये प्रति किलो की दर से गोबर खाद की खरीद शुरू कर रही है। कृषि एवं मंत्री ज्वाली विधानसभा क्षेत्र के नगरोटा सूरिया में जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि गोबर से ऑर्गेनिक खाद तैयार की जाएगी जिसे सरकारी उपक्रम हिमफेड के माध्यम से किसानों को उपलब्ध करवाया जाएगा। उन्होंने बताया कि प्रदेश में ऑर्गेनिक खेती को बढ़ावा देने के लिए इस खाद का उपयोग कृषि व बागवानी विभाग के फार्मों में भी किया जाएगा। इसके अलावा बागवानी व सेब बाहुल्य क्षेत्रों में भी इस खाद की बिक्री कृषि व बागवानी विभाग के माध्यम से सुनिश्चित की जाएगी ताकि लोगों को ऑर्गेनिक खेती के प्रति प्रेरित किया जा सके। उन्होंने बताया कि प्रदेश सरकार द्वारा ऑर्गेनिक खाद से फसल तैयार करने वाले किसानों को चिन्हित करने के साथ साथ उनसे ऊँची कीमतों पर फसलों को खरीदा जाएगा। कृषि मंत्री ने बताया कि प्रदेश सरकार युवाओं को रोजगार उपलब्ध करवाने के वायदे पर कार्य कर रही है जिसके तहत सभी विभागों में भर्ती प्रक्रिया को शुरू कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि क्षेत्र की सड़कों के सुधार एवं बेहतर रखरखाव के लिए करोड़ों रुपए के बजट का प्रावधान करवाया गया है। इसके साथ ही नगरोटा सूरिया में गज खड पुल तथा सुखार नहर परियोजना के निर्माण के लिए भी जल्द राशि उपलब्ध करवाई जाएगी। प्रोफेसर चंद्र कुमार ने कहा कि प्रदेश सरकार द्वारा समाज के हर वर्ग के लिए कई कल्याणकारी योजनाएं चला रही हैं और विभागीय अधिकारी इन योजनाओं का लाभ हर वर्ग तक पहुंचना सुनिश्चित करेंगे। कृषि मंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के कुशल नेतृत्व में प्रदेश सरकार 11 दिसंबर को अपना एक वर्ष का सफल कार्यकाल पूरा करने जा रही है। इस वर्ष प्रदेश में घटित भयंकर आपदा के बावजूद प्रदेश सरकार ने अनेक जनहितैषी योजनाएं धरातल पर लागू करने के साथ साथ प्रदेश हित में कई महत्वपूर्ण फैसले भी लिए हैं। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने सत्ता संभालने पर लोगों से पारदर्शी प्रशासन देने का जो वादा किया था उस पर प्रदेश सरकार खरा उतरी है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार व्यवस्था परिवर्तन के ध्येय के साथ काम कर रही है जिसके फलस्वरूप कई जनहितैषी फैसले लेकर व्यवस्था में बदलाव किया जा रहा है। बदलाव का यह दौर इसी तरह जनसेवा में आगे भी जारी रहेगा। कृषि मंत्री ने इस अवसर पर जन समस्याएं भी सुनी तथा संबंधित अधिकारियों को समस्याओं के शीघ्र समाधान के निर्देश दिए ताकि लोगों को सभी मूलभूत सुविधाएं घर द्वार के नज़दीक उपलब्ध हो सके। इस अवसर पर तहसीलदार अजय कुमार, बीडीओ श्याम सिंह, बिजली बोर्ड के अधिशासी अभियंता आदर्श शर्मा, लोक निर्माण विभाग के अधिशासी अभियंता मनोहर लाल, उपमंडल भू संरक्षण अधिकारी चंचल राणा, जिला कांग्रेस महिला महासचिव रीना गरोच, ओबीसी जिला संगठन उपाध्यक्ष अश्वनी चौधरी, ब्लॉक कांग्रेस महासचिव रामपाल दीमान, ब्लॉक कांग्रेस उप प्रधान डॉक्टर गुलशन, महासचिव गुरुदेव भारती, कांग्रेस नेता राज शहरिया, सतीश मेहरा, डॉक्टर सुनील पठानिया सहित अन्य विभागों के अधिकारी, कर्मचारी, पंचायत प्रतिनिधि तथा गणमान्य लोग भी उपस्थित। आपको जो है वो जो हम दूध का रेट है 11 तारीख को उस दूध का रेट भी हम अनाउंस करने जा रहे हैं और वो दूध का रेट जो है उसको 6 रुपये बढ़ाने की सरकार जो है वो वचनबद्धित है। जो वेरका का दूध है और जो अमूल का दूध है उसके बराबर का जो है वो रेट हम जो है वो आपको जिन्होंने गाय भैंस रखी है उसको दूध का भी फायदा मिलेगा। और सबसे बड़ा प्लांट 400 करोड़ रुपये का सबसे बड़ा प्लांट जो दूध का है उसको मैं डगवार में लगाने जा रहा हूँ जिससे कि हमारा जो इलाके के जग जगह जिन्होंने गाय भैंस रखी है 40 किलोमीटर के लिए इसमें सरकार खुद जो है वो दूध जो है वो उनसे इकट्ठा करेगी और उस कारखाने में लेके जाएगी। उसका भी कार्यक्रम हमने शुरू कर दिया है।
बड़ी जल्दी जो है वो दूध का प्लांट जो है वो हम लगाने जा रहे हैं, तो उसके लिए वक्त तो लगता है किसी भी चीज़ को आगे बढ़ाने के लिए। रोज हमारे अखबारों वाले कहते हैं कि चौधरी साहब आप गोबर नहीं खरीद रहे, ये तो मैं बोल रहे गोहे वाला मंत्री है। मैं क्या कोई गल नहीं भाई, मैं तो जिम्मेदार हूँ, मैं क्या मैं गोबर भी खरीदूंगा, तब आप कहेंगे कि हमारा गोबर ले लो। और मैं पहली तरीके से गोबर खरीदने जा रहा हूँ, ये मैं आपको बता दूंगा। मणि लाना शुरू कर दिया आजकल। और जो आपके गांव में जो महल लगाएगा, मैं उसका गोबर मैन्योरिंग के रूप में लूंगा, कच्चा नहीं लूंगा, खाद। और वो मैं आपसे 2 रुपए किलो लूंगा, उसका भी मैंने बोरी जो है उसका सैंपल बना दिया, बड़ी जल्दी बोरी भी मार्केट में आने वाली है। और जहां जहां भी हिमफेड के स्टोर हैं, जो मैं सीधा किसान से खरीदूंगा और खरीद करके हिमफेड के स्टोरों में रखूंगा, एक तक फर्टिलाइजर होगी और एक तरफ ऑर्गेनिक जो है वो खाद होगी। और सबसे पहले आपसे लिया हुआ गोबर जो उसको मैं अपने एग्रीकल्चर फॉर्म में जो है वो शुरू करूंगा। और जो आदमी अपनी खेती में गोबर का यूज करेगा, उस किसान की टैगिंग की जाएगी कि इसने ऑर्गेनिक खेती किया, और इसकी बीट जो है उसको ज्यादा दाम के ऊपर खरीदूंगा। अगर